Greetings of the day, my dear friend. This is very interesting thing कि अगर आपसे कोई कहे कि define the love, क्या आप love को define कर सकते हैं? So there are some definitions are given here. Some people says that a great interest and pleasure in something. आपको कोई बहुत ज़्यादा interest है और वहाँ से कोई खुशी मिलती हो किसी चीज़ में, तो उसको आप as a love define कर सकते हैं. और एन इंटेंस फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शन, आप ये अफेक्शन जो है कहीं भी हो सकता है आपका, और वो फीलिंग जो है आपके लव को जो है रिप्रेजेंट कर सकती है. और थर्ड जो डेफिनेशन थी, फील डीप अफेक्शन और सेक्सुअल लव फॉर समवन. सो दीज आर सम डेफिनेशन इन जनरल विच आई हैव ऑब्जर्व्ड ऑन द इंटरनेट. द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लव? Love is what? Love may be in any relationship with a living thing or materialistic जो object हैं उनके साथ भी love हो सकता है. Many times you may have seen that when one object breaks, then that time people also cry. So this is not only with the living things love. आपका किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में, मेटलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में हो सकता है. और जो पॉइंट है, जैसे अगर कहें कि फुल मीनिंग ऑफ लव क्या है, लव को डिफाइन करना एक्चुअली इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन, एंड एवरीवन हैव देयर ओन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस. बट लव इट्सेल्फ इज ए एक टाइप से आप कहिए कि डेडिकेशन है, एक समर्पण है उस पर्सन के लिए. एंड यू नेवर थिंक क्रिटिकली एनीथिंग अबाउट टू हर एंड हिम. सो मीनिंग, जब हम लोग मीनिंग की बात करेंगे तो पर्सनली आई डोंट हैव एनी मीनिंग ऑफ लव, बट कि जहाँ एक किसी वर्ड के थ्रू उसको बाउंड कर दिया जाए, तो उसको वर्ड के थ्रू बाउंड नहीं किया जा सकता. एक्चुअली आई लव माई चिल्ड्रन, आई लव माई वाइफ, आई लव माई पेरेंट्स. तो लव को जब आप देखते हैं तो वो एक रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकता है. और अब वो एक नॉन लिविंग थिंग्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी हो सकता है, राइट? तो लव एक्चुअली इमोशंस हैं, जो हर्ट का पार्ट है. आपके इमोशंस के साथ में वो चीज़ जुड़, जब डीपली जुड़ जाए तो आप उसको लव बोलते हैं. ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव, ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव, क्या डेफिनेशन हो सकती है लव? लव का जो ट्रू डेफिनेशन है, आई डोंट थिंक देयर इज एन स्टैंडर्ड और कोई इस तरीके से डेफिनेशन होगी लव का. बट लव जैसे कि लव हुआ है फॉर द कंट्री, एन आर्मी पर्सन, उसका जो प्रायोरिटी होगी वो कंट्री के लिए होगी. और किसी सोशल वर्कर के लिए लव कुछ और हो सकता है, और किसी पर्सन के लिए जो है वो सेकेंडरी पर्सन है, वो कुछ भी उसका अपना लाइफ स्टाइल है, तो उसके लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ हो सकती है जिसको वो लव करता होगा, राइट? कोई पैशन हो सकता है किसी का, वो उसको लव करता होगा. एनिमल के साथ में जो उनको केयरिंग है वो एक लव हो सकता है. तो ट्रू डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा फील करता हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, कि जो हम लोगों का एक कहीं इमोशनल अटैचमेंट है वो हम लोगों का जो लव है उसको डिफाइन करता है, राइट? और ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू लव? जब फुल मीनिंग ऑफ लव की बात करते हैं, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू लव? ट्रू लव के अंदर एक्चुअली अगर ये रिलेशनशिप में है, जहाँ एक हस्बैंड एंड वाइफ है या कोई बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में, तो वहाँ अगर ये सेक्सुअल पार्ट ना हो, जिसको हम लोग बोलते कि वासना ना हो, तो दैट आई थिंक दैट इज़ द ट्रू लव, राइट? बट आपका जब अफेक्शन फिजिकली है तो वो लव नहीं हो सकता. सो दीज आर सम पॉइंट एक्चुअली विच पर्सनली आई थिंक एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट टू इट. Definition of love in one word. Again, it is very difficult to say that love is
Love you can define in one word. In case of love, you show some responsibility to the second person. You show the dedication. You show your passion. There are some words basically which cover the area of the love, but it is very difficult to bound the love in one words, which I think. Define love in one sentence. Again, the same thing, that no one can define the love. Love is actually a state of purity of itself, the person, right? And it is very difficult to bound in one word or in one sentence. But love is actually, मैं कहूँ तो love जो है वो ब्रह्मांड है, right? उसका कोई end नहीं है, right? तो उसका वो किसी point से define नहीं हो सकता, वो किसी word से define नहीं हो सकता, वो किसी sentence से define नहीं हो सकता. Love basically limitless है, and when you are in love, then you can understand, right? And it again, the same thing, it comes under the living things or non-living things. So it matters for person to person that how is basically that defining. So these were some points about to the love, and I hope you will also share some points, jo aapka point of view rahega about to the love. So define the love, meaning of the love, and what do you think about to the true love, right? So आप कमेंट करके आप बताइए कि what do you think about to it. So now thanks for your time and watching this video. I am sure that you will also spread the love.